आखिर मैंने अपने पापा को मना ही लिया। पापा तो मेरे भी मान गए हैं, पर बड़ी मुश्किल से। ये पायल और प्रदीप कहाँ रह गए? अरे मैंने फोन तो किया था, कह रहे थे आ रहे हैं। बस एक बार किसी तरीके से आ जाएं, आज हमारी जिंदगी का बड़ा खुशी का दिन है। अरे पायल आ गई तू? हाँ। अरे आओ मारती, आओ बैठो। राम राम जी। राम राम। बैठो बेटा। पापा ये है प्रदीप, और मैं इन्हीं से मिलवाना चाहती थी। बेटा तुम्हारी पसंद मेरी भी पसंद है। सेठ जी मैं वो यूं बदला ना हूं, ध्यान तो देख लियो। तू ना बदला बेटा। छोटू मैं तो बदल गया। चाय ले आ। कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता। मेरे बच्चों कहाँ रह गया? आगे चाय आगे रख बेटा, चाय पियो। बाबूजी कुछ कागज आए हैं। देखिए सोनू, मुझे लगा प्लॉट का कागज हो इसमें। कागज? अरे कौन सा फिल्म के फोटो आ गए? फिल्म तो आ गई, पर तेरी फिल्म आ गई। अरे हम किन्ने हीरो बना दिए। ले देख तू भी आंखों से। दिखा। ले। देखा, यूं मेरे बेटे को धोखा दे रहा, इसकी पीठ पे छुरा घोंप रहा है। सही कह रहा दोस्त, इसकी आदत ही है पीठ के पीछे छुरा घोंपने की। मेरी बेटी को प्यार के चक्कर में फंसा कर और मजे ले रहा इस लड़की के साथ। ये आप क्या कह रहे हो? अच्छा हम क्या कह रहे हैं, तेरी करतूतें साफ साफ दिख रही है, और ये फोटो क्या हमने जबरदस्ती बनवा दी है? सोनू मेरे भाई तू मेरा यकीन तो कर, कोई हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा। ओए, तू इतना बड़ा लाट साहब नहीं है जो तेरे खिलाफ साजिश रची जाए। मीनू मेरा विश्वास कर, ये साजिश है। ओ गरीब लड़की, नजर मेरे बेटे की दौलत पर और मजे ले रही है इस लड़के के साथ। चुप रहो अंकल जी, ये सिर्फ सोनू की शर्म है, वरना मैं अब तक बहुत कुछ कर देता। क्या कर देता तू? मेरे सामने मेरे बाप को धमका रहा तू? ये तस्वीरें चीख चीख के तेरा पूरा पर्दा फाश कर रही है। ये सब झूठ है सोनू, मेरे भाई कोई हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है, हम दोनों को अलग करना चाह रहा। ओ नंगे, तू नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या? अभी तेरा पर्दाफाश करता हूँ। हाँ भाई तू तो इसका भाई है ना? हाँ जी। तू बता क्या हुआ था? भैया मैं नहीं चाहती थी कि सबको पता चले, लेकिन अब आप बताओ कि क्या हुआ था मेरे साथ। हाँ भैया बताओ, उस दिन रस्ते में पायलो कुछ गुंडों ने घेर लिया था, उसके बारे में बताओ इन्हें, बताओ। बता, चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? अच्छा ठीक है बोल अब। कौन से गुंडे, कहाँ मिले थे गुंडे? पायल क्या बताऊँ, तू ही बता दे जो बताना है मुझे। भैया आप ये क्या कह रहे हो, सच सच बोलो, मेरी जिंदगी का सवाल है। हाँ भैया बताओ इन्हें, बताओ। ओ ठीक ठीक बता, ये लड़का तेरे घर में रहता है ना? हाँ जी मेरे ही घर में रहता है। और इन दोनों का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? ये तो पता ना, मैंने इसे कई बार इसके कमर में ऊपर जाते देखा था। भैया अब ये क्या बोल रहे हो? भैया आपने तो मुझे जीते जी ही मार दिया। कमीने, मारूंगा तो मैं तुझे। सोनू मेरे भाई मेरी बात समझने की कोशिश कर, ऐसा कुछ नहीं है। तेरा क्या विश्वास करूं, निकल यहाँ से। सोनू मेरे भाई मेरी बात समझ, कोई हमारे दोनों के बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी कराना चाहता है। तू मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा भाई है भाई। अरे कट्टर है तू, निकल मेरी आंखों के सामने से। सोनू मेरा विश्वास करो और लेके जाए इस गंदगी को मेरी नजरों से बहुत दूर, गद्दार। और हमारी जिंदगी से इतना दूर चल जाओ कि कभी नजर मत आना।
पायल सुनो, पायल पायल रुको, पायल रुको। कहाँ जा रही हो पायल? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ जिस भाई ने मेरी इज्जत सबके सामने नीलाम कर दी, या उस सोनू के पास जाऊँ जिसके लिए मेरा प्यार कुछ नहीं, मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे सोनू से ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमें गलत समझेगा। मैं हम दोनों की सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगा। और कौन कहता है कि तेरा कोई नहीं है? आज से मैं तेरा भाई हूँ, तुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ घर चल, मैं तेरा साथ दूंगा मेरी बहन। मेरे लिए खुद को क्यों जला रहे हो? आग एक है पायल, और उसमें जलने वाले हम दोनों। रुक, आओ बाहर आओ। पायल तुम ठीक तो हो? पायल ये कहाँ ले आए सोनू? यार की सच्चाई दिखाने लाया हूँ। प्रदीप तेरे से ये उम्मीद तो ना थी मुझे। मैं सब समझ गई सोनू, चलो यहाँ से। बेटा बाप होने के नाते मैं तुम्हें इससे बढ़िया सलाह नहीं दे सकता। जलाओ उसको जिसने तुम्हें जलाया है, तुम्हारे साथ धोखा किया है, दोस्ती के नाम पे फरेब किया है। बेटा तुम्हारी खुशी के लिए ना मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन जान बूझ कर तुम्हें नरक में नहीं झोंक सकता। फैसला तेरा है सोनू, मेरा क्या? मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद तू खुश रहे, ताकि मेरी आत्मा को शांति तो मिले। देख मीनू बेटा, ये रिश्ते जो है ना ऊपर से बन के आते हैं, और तुम्हारी एक गलती तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर देगी, समझी मीनू? भगवान का इशारा समझो बेटा। पापा आपका फैसला हमें मंजूर है, हम क्यों घुटघुट कर मरे उनके लिए जिन्होंने दोस्ती में फरेब किया है? हम भी खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे, क्यों मीनू? पापा मैंने भी जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा पापा। देखा रघु, मेरे बेटे ने आज मेरी छाती चौड़ी कर दी। अब तू एक काम कर, तैयारी कर और बजा सेनाई। ठीक है तो। अरे क्यों हो भाई, क्या सोच रहा है? ये जो घायल शेर होते हैं ना साले, बहुत खतरनाक होते हैं। तू चिंता मत कर, इस बार मैं उस हरामजादे पर खुद नजर रखवा रहा हूँ। अरे तू काहे को चिंता कर रहा, आप पैक मारेंगे, मेरे होते हुए क्यों टेंशन ले? वाह भाई वाह, यारी में गद्दारी करके मौज मनाई जा रही है। सरेआम रंगरलियां मनाई जा रही है यहाँ पे। जब दोस्त बेशरम हो जाए ना तो कुछ भी कर सकता है। अगर यही बात मैं तेरे से कहूँ तो? इनको इनके हाल पे छोड़ दो सोनू, और वो बताओ जो हम इनको यहाँ पे बताने आए हैं। सॉरी माय लव, और हाँ तुम दोनों सुनो, परसों हम दोनों मंगनी कर रहे हैं और तुम तीनों इनवाइटेड हो। मतलब तू और तुम्हारा होने वाला ये बच्चा। तुम लोगों की तरह छुपके नहीं करते हम, जो करना होता है सरेआम करते हैं। समझ गया तू, या और समझाना पड़ेगा?